व्यापार में, वार्तालाप में समय निकलता है। क्या करिए, इन सब को संभालिए, सोचिए कि हम अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं। आज अपने लिए मतलब स्वयं के लिए। जीवन में चार पुरुषार्थ हैं, है ना, धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ मतलब, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ मतलब पुरुषों के लिए पाने योग्य, खाली ऐसी बात नहीं है, सबके लिए। कर्तव्य, पुरुषार्थ का अर्थ है कर्तव्य। पांच चीज प्राप्त करना, चार चीज प्राप्त करना है। धर्म भी करना है, अर्थोपार्जन भी करना है, धन भी चाहिए और कामना की पूर्ति भी करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है और मोक्ष भी प्राप्त करना है। जीते जी ये चारों चीज चाहिए, एक भी कमी रह गई तो यात्रा हमारी अधूरी रह गई। तो जीवन यात्रा अधूरी ना रह जाए, जीवन यात्रा पूरी थाए, इतने एक एक वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, चारों पुरुषार्थ। लेकिन है उल्टा, आज चार पुरुषार्थों में दो ही रह गया है, ध्यान देना। या तो आदमी कामना की पूर्ति में लगा रहता है या फिर धन की पूर्ति में लगा रहता है। धन और अर्थ और काम, ये दो ही रह गया है। जीते से, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत आदमी दो ही का चिंतन करता है, या तो काम का या फिर धन का। शंकराचार्य जी कहते हैं, हमारे आद्य जगत गुरु, अर्थम अनर्थम भावये नित्यम। नित्य चिंतन करिए कि अर्थ अनर्थ करेगा, इसको सही जगह लगाइए। ऊर्जा है ना, इसमें शक्ति होती है, अर्थ में इसका सही उपयोग होना चाहिए, सही जगह लगे। तो अपने समय का भी सदुपयोग, अपने द्वारा अर्जित धन का भी उपयोग करे मानव। और सुखदेव स्वामी ने कुछ उनको अंतःकरण के शुद्धि का उपाय, प्राणायाम, ध्यान और भगवान में समर्पण का भाव। सबसे बड़ी बात तो यह रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यह भाव निश्चय रखिए। यदि यह भाव है हमारे पास तो फिर निश्चित करिए कल्याण हो गया। एक बात बताइए, यज्ञ करके हमारा कल्याण हुआ कि नहीं, यह निश्चय हो पाता है क्या? यह निश्चय नहीं होता कि मेरा कल्याण हो गया। और देखो, ध्यान करिए, लेकिन ध्यान करके मात्र सात दिन में नहीं हो सकता। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। बहुत दिन तक करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। भक्ति, भक्ति भी एक दिन करने से नहीं होती है। हाँ, पिबत भागवतम रसम आलयम, मृत्यु पर्यंत करना है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही पुनि आवत नाही। जन्मों जन्मों से भजन करना पड़ता है, एक बार भजन करने से बात नहीं बनती है। हाँ, और भक्ति सब कोई कर भी नहीं सकता। आखिर वो उपाय क्या है जो जीवन में एक बार ही करनी है, और फिर अपना कल्याण हुआ कि नहीं यह संदेह मिट जाना चाहिए।
वह उपाय क्या है जो कोई भी कर सकता है, वह उपाय क्या है जो कभी भी कर सकता है, वह उपाय क्या है जो कहीं भी कर सकता है। कोई बंधन नहीं हो और सिर्फ जीवन में एक बार करना है, वह उपाय है भगवान की शरणागति। वह उपाय है क्या है? शरणागति। शरणागति, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यह भाव बने। जिस क्षण ये शरणागति होती है उसी क्षण भगवान हमें अपना लेते हैं, और यदि भगवान अपना ले तो फिर और क्या चाहिए? यदि वो हमें चाहिए चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? वो अपना ले, भगवान हमें अपना ले, अपना बना ले, यही जीवन का भाव है। और कहिए, प्रेम से गाइए, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवन, प्रतापी राजा खटवांग इंद्र की सभा में जाता, देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करता। एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए, जब देवताओं की जीत हुई तब इंद्र ने पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए बोलिए। खटवांग ने कहा कि इंद्र तुम मुझे क्या दे सकते हो, हम तो खुद तुम्हारी मदद करते हैं, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। इतने प्रतापी राजा, फिर भी आप कुछ चाहे तो जान सकते हैं हमसे। उसने कहा कि मुझे केवल इतना बता दो कि मेरी उम्र में अब कितना समय बाकी है। इंद्र ने कहा कि महाराज अब केवल दो घड़ी बाकी है। कितना? दो घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, यानी 48 मिनट शेष है आपके जीवन का बस। बोले हाँ। बोले तब एक काम करो, मुझे शीघ्रता से मेरे नगरी अयोध्या मुझे पहुंचा दो, जहां मैं गुरु के चरणों में बैठ सकूं और उनसे ज्ञान उपदेश प्राप्त कर सकूं, बस इतना काम करो। इंद्र ने कहा कि ठीक है, अपने ही विमान से बिठाकर शीघ्र गति से अयोध्या में उतार दिया। गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ मुनि से कहा कि भगवान मेरे पास मात्र दो घड़ी, उसमें भी कुछ निकल चुका है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, दो घड़ी बहुत है, केवल इतना स्वीकार करना कि मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे, और अपना मन भगवान को दे दो,
अपनी बुद्धि भगवान को दे दो, अपना तन भगवान को दे दो, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करो। यदि ऐसा करो तो ये मन अब तुम्हारा नहीं, किसका हो जाएगा? भगवान का हो जाएगा। तो भगवान का मन क्या ऐसा वैसा होता है? भगवान का मन तो हमेशा समाधि में रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है। स्वरूप का तुमको शीघ्र बोध हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया, मात्र दो घड़ी में खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयत्ताम विहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयम् हरिम्। एक मुहूर्त मात्र में खटवांग ने हरि के अभय पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए यह भाव निश्चय करिए कि मैं भगवान का हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान।
बिनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे ओ ब्रजराज दुलारे आखिरी आस यही जीवन की पूरण करना प्यारे पूरण करना प्यारे जो भाव है हम तुम्हारे हैं तुम्हारे थे तुम्हारे रहेंगे ये जीवन में एक बार ही कहना पड़ता है, बार बार नहीं कहना पड़ता, इसको स्वीकारना पड़ता है। बाकी कहते रहिए 10 बार लेकिन स्वीकार एक बार करना पड़ता है। एक बार यदि स्वीकार कर ले तो फिर निश्चित होता, जैसे कन्या एक बार अपने पति का वरण करती है विवाह के समय, यही तो कहती है कि आज से मैं इनकी हो गई, पिता ने हमारा हाथ इनके हाथ में दे दिया और मैं इनकी हो गई। सिर्फ एक बार स्वीकार करती, बार बार थोड़ी करती है। फिर अगले दिन कोई उससे कहे कि अरे बाबरी पगली हो गई है, तो उस अनजाने पुरुष के लिए घर बार सब छोड़ रही है, माता पिता भाई बंधु मित्र सबको छोड़ रही है। तुझे भोजन कौन कराएगा, तुझे कपड़े कौन पहनाएगा, तो क्या वो क्या कहती है? कहती मुझे सब पता है, जिसने मेरा हाथ संभाला है अब आज से उसकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहती है कि नहीं? और वो करता भी है, स्वयं भले ही आधे शरीर में वस्त्र पहन लेगा, गमछा पहन के घूम लेगा, लेकिन अपनी पत्नी को पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़े का प्रबंध करता है। स्वयं पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं होगा, हाथ में घड़ी भी नहीं होगा, चलेगा, लेकिन पत्नी के लिए गहने का प्रबंध करता है कि पत्नी के गले में भी आभूषण चाहिए, उनके नाक कान में भी आभूषण पहनता। वाह, स्वयं विवाह से पहले जैसे तैसे कहीं भी सोता होगा, कहीं भी रहता होगा, बरामदे में रहता होगा, झोपड़ी में रह लेगा, लेकिन विवाह के बाद पत्नी को रहने के लिए घर की व्यवस्था में सोचता है। तो आपसे ज्यादा सोच उनको है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही भक्त और भगवान का संबंध होता है। भक्त जब अपने आप को सुपुर्द करता है एक बार, वो कहता है कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, हो जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया।
कितने कितना अच्छा भाव मेरे अपने हुए नहीं अपने मेरे अपने हुए नहीं अपने अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले हम अपनी बात कुछ नहीं कहेंगे हम बंसी हैं तेरे अधरों के हम बंसी हैं तेरे अधरों के बंसी से किसी ने पूछा कि भाई तूने कौन से पुण्य किए जो श्री कृष्ण के होठों से लगे रहती हो उनके अधरों से लगी रहती हो क्या कारण है हा? बंसी बोली बस एक ही बात है अपना कोई आग्रह नहीं वो जैसे जो हवा भर देता है हम उसी के गीत गाते हैं इसलिए हम उनके अधरों से लगे हुए होते हैं कितना बड़ा संदेश है आप भी यदि चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमारा ही नाम लिया करे जबरदस्ती मत करना कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं तुम्हें हमारी याद नहीं आती किसके बारे में सोचते रहते हो मेरे बारे में सोचो किसके बारे में सोचते रहते हो कहां जा रहे हो हमेशा अपनी याद दिलाना ये अलग बात है और ऐसा कर्म करो कि उसे हमेशा हमारी याद आती रहे कितना अंतर है ये कब होगा बांसुरी बन जाओ बांसुरी क्या कहती है मालूम है कहती हम भीतर से पोले हैं भीतर से खाली रहो वो जो हवा भर दे बस वही गाओ वो जो गाना चाहे उसके सुर में सुर मिलाओ मिले सुर हमारा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर में सुर मिलना चाहिए ये नहीं कि वो राग अलग गाए तो आप अलग आलापे कभी प्रेम नहीं होगा बांसुरी जो कहती है वो देखिए क्या सुंदर भाव भक्त भी अपनी राग नहीं गाता जो भगवान गवाते हैं वही गाता है यही उसकी खासियत होती है हाँ वही कर्म करता है जो भगवान उससे करवाना चाहते हैं उनका इशारा तो समझो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा परीक्षित जीवन को समर्पित करो भगवान के चरणों में और अपने समय को सार्थक करो वाणी से हरि का गुण गायन हो हाथों से उनकी सेवा हो पैरों से उनके धाम तक तीर्थों में जाना आना हो भगवान ने पैर किस लिए दिए यदि उनको तीर्थों में नहीं ले जाना होता तो तीर्थों में जाना वाणी से कीर्तन करना हाथ से तालियां बजाना उनकी पूजा उनकी सेवा जनता जनार्दन की सेवा दरिद्र नारायण की सेवा जीव छवो भगवतांघ्र रेणु न जातो मर्त्यो अभिलभेत यस्तो जिन्होंने भगवान के चरण में मस्तक नहीं झुकाया और
चरणोदक का पान नहीं किया, वाणी से गायन नहीं किया। बड़ा सुंदर सुंदर रामचरितमानस में तो चौपाइयां भर दी गोस्वामी जी ने। जो चीज यहाँ भागवत में श्लोकों में है वही चीज वहां चौपाइयों में सेम देखो। बिले बतोरो क्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य। ये जो कान है ना कान, इस कान में यदि हरि कथा नहीं सुना तो ये समझा कान नहीं है, वो सांप का बिल है, सांप का बिल है। जिह्वा सती दरदुर के वसूत नचो परागा उर्गायगा था। ये जिभ्या यदि भगवान की गान गाथा नहीं गाती, जिसकी जिह्वा भगवान की प्रशंसा नहीं करती, वो जिह्वा नहीं है। जैसे दादुर समझते हो, दादुर किसे कहते हैं नहीं समझते है? मेड़को, मेड़को गुजराती में मेड़को कहते हैं कि डेड़को कहते हैं, डेड़को डेड़को उसको मेंढक कहते हैं हिंदी में। मेंढक कैसे टर 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 करता है और उसकी वाणी का कोई मतलब नहीं निकलता। उसी तरह से जिसकी जिभ्या हरि नाम नहीं गाती उसकी जिभ्या तो केवल टर 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 करने के काम आती है, समझ लो। क्या सुंदर जो है शावो करो न कुरुत सपरिया हरे लसत्कांचन कंकनोवा। कंगन से शोभा हाथों की नहीं होती है, किससे शोभा होती है? हाँ, सेवा करने से वो हाथ शुद्ध हो जाता है, सार्थक होता है। बरहाई ते ते नयने नराना लिंगानि विष्णु नग निरीक्षतो ये। वो आंख नहीं है, आंख मोर पंख है, मोर का पंख होता है, मोर पंख में भी आंख बनी हुई होती, देखा मोर पंख में आंखें बनी होती कि नहीं? क्या उस आंख से देख सकता? नहीं देख सकता। उसी तरह से वो आंख आंख नहीं है, मोर पंख है, जिन आंखों ने भगवान की पहचान नहीं कर पाई। आह पादो निर्णाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणी नानुब्रज तो हरेरियो। क्या बात कह दिया, वो पैर पैर नहीं है, वो तो एक वृक्ष है, जड़ समझते जड़ वृक्ष जो चलता नहीं है। वृक्ष में भी जीवन है लेकिन वह चलता नहीं है, तो वह पैर नहीं समझना। दो दो वृक्ष है जो पैर भगवान के धामों में नहीं जाता, तीर्थों में नहीं जाता। धन्य है वे जो घर से चलकर हरिद्वार तक आए हैं। श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसं छवो यस्तु न वेद गंधो। जिसने विष्णुपदी गंगा का जलपान नहीं किया, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी का पौधा किससे किसके घर में जरा हाथ उठाइयो, सच्ची में कि झूठ में उठा दिया? सही में है तो उठाओ, जिसके आंगन में तुलसी तो क्या उठाए ते हाथ उठाओ। वाह साधु, एक बार जोरदार ताली में बजाओ।
अरे अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, वो हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, चरणों में बलि बलि जाएंगे। ताली से बजाते हुए रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, प्रभु कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बातें बिहारी लाल की, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और एक बात, किसके किसके द्वार पे गैया है, गाय का, गाय किसके पास, वाह, एक हाथ उठाओ उधर से, एक हाथ दो, जय श्री राम। अपने द्वारे पे, अपने द्वारे पे, अपने द्वारे पे गैया दुहाई मरे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, वो हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे।
हिंदू है हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि पाएंगे। हम तो हिंदू है हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, 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 छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे 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 हम। और भारत माता पे, भारत माता पे, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है हिंदू कहेंगे, राम चरणों पे बलि बलि जाएंगे। परीक्षित ने पूछा, तो गुरुजी क्या क्या करें? बोले, भगवान का नाम स्मरण करो और प्रेम से कथा सुनो। गुरुजी आप कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाओ? बोले, गुरुजी भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, जिस भगवान की कृपा हमारे पूर्वजों पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, ऐसे प्रभु की कथा सुनाइए। और ये बताइए गुरुजी, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ये विश्व कैसे बना? पूरा हमें सुनना है, क्या कारण है सृष्टि बनने का, शुरू से अंत तक। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या है, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, आदि आदि सारे प्रश्नों को किया है। बहुत सुंदर। तो बोले, देखो जैसा प्रश्न तुम आज कर रहे हो ना, यही सब प्रश्न तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा लगते विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से पूछा था। बोले, विदुर जी महाराज, मैत्री जी का मिलन कैसे हुआ और कहां हुआ, ये सब मुझे जानना है। तो बोले, सुनो, एक बार कौरव पांडव का युद्ध अभी नहीं हुआ था, सुलह की बात चल रही थी,
भगवान कृष्ण संदेशा लेकर आने वाले थे, तो सलाह देने के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और आकर कहा कि भाई साहब, अब तो आप जगिए, इस मोह निद्रा से आंखें खोलिए, और आपका ये दुर्योधन जो लाडला बना हुआ है, ये एक दिन आपको मोह के गर्त में डुबो देगा, इस वंश का विनाश करके रहेगा, इसलिए एक बार इनकी तरफ से आप जागिए और पांडवों का हिस्सा उसे दीजिए, जो दाय भाग है, ये जो दाय भाग कहते हैं, जो पितरों से प्राप्त होता है ना, जिसके लिए हम परिश्रम नहीं करते हैं और हमें पिता के द्वारा प्राप्त होता है, उस धन को दाय भाग कहते हैं। हाँ, दाय भाग में पितरों की आत्मा बसती है, याद रखना। इसलिए बंटवारे के समय जब भाई भाई का बंटवारा हो तो पाई पाई का बंटवारा कर लेना, एक एक तिनके का बंटवारा कर लेना, लेकिन किसी का तिनका अपने तरफ नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना। एक तिनका किसी का अपने पक्ष में ना आ जाए, वरना हमें दोष लगता है। और जीवन भर छोटी सी चीज के लिए एक बार भले वो कह देगा कोई बात नहीं, लेकिन उसका बच्चा कल आएगा, उसकी पत्नी, उसके परिवार में थोड़ी सी चीज के लिए एक रिश्ते में खटास आ जाए। और जीवन भर हम तो बहुत ऐसे परिवार को देखते हैं जो सारा जीवन भाई को ही कोसते रहते हैं, भाई साहब ऐसे, किसी के बड़े भैया की शिकायत, कोई बड़े भाई छोटे भाई की शिकायत, कोई माँ बाप की शिकायत लेकर बैठा हुआ है। कोई भी माँ बाप यदि आप हैं तो आप पक्षपात ना करें। कई बार हमें लगता है कि हमारी संपत्ति है, हम छोटे वाले बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दे दें, बड़ा तो धनवान है, कर लेगा, गुजारा कर लेगा। उस समय भले वो ना कहें, लेकिन बाद में उसको भी दुख होता है। दाएं भाग को आप बांट दीजिए, ठीक है, उसके बाद उसका जो सहयोग करना है सबसे कह के सहयोग करवा लीजिए, चाहे अपने तरफ से करिए वो अलग बात, जो संपत्ति है उसको बांटिए बराबर, कभी इसमें लोभ नहीं करना। हाँ, और यही उचित भी है, यही संदेश विदुर जी कह रहे थे धृतराष्ट्र से कि इसमें लोभ नहीं करना, पक्षपात नहीं करिए, आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है। धृतराष्ट्र कहते हो तो मानता नहीं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, आप फैसला करिए। किसी ने सुना और जाकर दुर्योधन से कह दिया कि देखो विदुर जी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तम तमातावा गुस्से में आया, हे मेरे टुकड़े पर पलने वाले चाचा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काते हो, निकल जाओ यहां से, मेरी आज्ञा है, निकल जाओ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा, क्या कह रहा, आप डांटिए, देर नहीं हुई, डांटने लगा दुर्योधन, अभी निकलो। धृतराष्ट्र कुछ कह ना सके और विदुर जी हवेली छोड़कर पति पत्नी दोनों वहां से निकल गए, बाहर शहर से बाहर कुटिया बनाकर वहां निवास करने लगे। और जब महाभारत का युद्ध निकट आया तब विदुर जी ने सोचा कि मेरे सामने ये आपस में लड़ेंगे, मुझसे नहीं रहा जाएगा, तीर्थाटन के लिए निकल गए। तब विदुर जी से उद्धव जी का मिलन हुआ, और जब भगवान का देहावसान हुआ, पांडव भी चले गए, तब विदुर जी वापस फिर हरिद्वार आए, यही वो भूमि है
जहां बुदुर जी का मैत्री जी से प्रथम मुलाकात हुई। बुदुर जी ने मैत्री जी का वंदन किया और मैत्री जी से यही सब प्रश्न पूछे भगवान की कथा के बारे में, भगवान की दिनचर्या, उनकी लीला के बारे में। सृष्टि कैसे बनी आदि आदि प्रश्न श्रीमन नारायण नारायण के हृदय में आह्लाद रूपी कमल जब खिला, उस कमल से जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा प्रकट हो गए। उसने कहा हाँ हम करेंगे, लेकिन सृष्टि कैसे करें, आदेश हुआ सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि सृष्टि करने के बाद तो हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे माया में। तब प्रभु श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहते हैं कि जो व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत का चिंतन करता है माया उसे नहीं व्याप्ती है। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं ही तो था दुनिया में, और जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही रहूंगा। नान्यद्यत् सत सत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्, जो बचा रहेगा वह भी मैं ही रहूंगा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये जो जगत है एक भासता है, जैसे स्वप्न में एक संसार दिखाई देता है आपको, दिखता है कि नहीं? हर कोई स्वप्न देखता है। स्वप्न में आप देखते हैं कि आप हाथी पर बैठे घूम रहे हैं, लेकिन जब आप जागते तो क्या हाथी रहता है? नहीं रहता। तो घोड़ा रहता होगा? घोड़ा तो छोड़ो, एक बकरी भी नहीं रहती है वहां जागने के बाद, कहां चला गया वो हाथी, आया कहां से था? एक आदमी दीपक जलाता है, दूसरे ने दिए को बुझा दिया, दीपक को बुझा दिया और पूछा कि बताओ ये जो जल रहा था ये कहाँ गया, बोलो। तो जिसने जलाया था उसने भी कहा तुम बताओ ये आया कहाँ से था, तब मैं समझूं। तुम ये बताओ कि आया कहाँ से था, मैं बता दूंगा वहां चला गया, जहां से आया था वहां चला गया। ठीक इसी तरह से ये संसार ये स्वप्न है, जैसे स्वप्न का संसार होता है वैसे जागृत का संसार है। जब इससे ऊपर उठेंगे तो यह भी स्वप्नवत। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मना। तत्व ज्ञानी व्यक्ति को यही चिंतन करना चाहिए, क्या संसार माया परिवर्तन परिवर्तित है, बदलने वाला संसार है, लेकिन इसमें एक है जो कभी नहीं बदलता, वह है परमात्मा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वह परमात्मा वही सब प्रकार से है। जो इस चीज का ध्यान रखेगा वह माया में नहीं पड़ेगा, वह
उसको भय नहीं है माया से। भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वह इस माया को पार कर जाएगा। भगवान की शरण में, भगवान के इस उपदेश के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि की। आपको मालूम है पहले उन्होंने सनकादियों की सृष्टि, मानसी सृष्टि की, नारदा दक्ष प्रजापति कर्दम की, और अंत में उन्होंने फिर मैथुनी सृष्टि करने के लिए मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किया। लेकिन अब समस्या थी कि सृष्टि हो तो कैसे, कहाँ रहे, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपा दिया। चिंता हुई, तभी ब्रह्मा जी को एक छींक आई और चिंतन भगवान का किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, वराह रूप में आए और देखते देखते आकाश में बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। आदेश किया भगवान, क्या बोले, प्रभु पृथ्वी का उद्धार करिए। भगवान वराह रूप धरिने आया और पाताल थी पृथ्वी को काड़ करके धरातल पर स्थित किया, जल के ऊपर स्थिर किया है। और उस दुष्ट प्रतापी हिरण्याक्ष को युद्ध में मार दिया है। बोले वराह भगवान की जय हो। धरती पर इस उत्तर प्रदेश में कासगंज के पास सौरो, जहाँ वराह भगवान का मंदिर है, अपने आश्रम परिसर में ही है, क्षेत्राधीश भगवान वराह, कभी दर्शन करना। और उसके बाद परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये वराह, ये अवतार धारण करना पड़ा, ये आखिर था कौन, हिरण्याक्ष कौन था, का जिनकी आंखें हिरण्य की तरह हो, हिरण्य मतलब सोना, जिनकी आंखें सोने की तरह चमकती थी। और उसका एक भाई और था, बड़ा भाई, उसका नाम था हिरण्यकशिपु, जिनका पूरा शरीर ही सोने की तरह चमकता था। ये दोनों दरअसल में भगवान के प्रिय द्वारपाल थे, जिसका नाम था जय और विजय। संत के श्राप से ये ही दोनों तीन जन्म तक राक्षस बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र बने तीसरी बार। तो आपको यह जानना चाहिए कि भगवान की जो जितने अवतार हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से है। उसके बाद 24 अवतारों का वर्णन किया कि देखो इसी प्रकार भगवान का सागर मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, ऐसे ही भगवान ने धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर धन्वंतरी बनकर आए। भगवान विश्व मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिलाए, असुरों को सम्मोहित किए। भगवान ने सत्यव्रत नाम के मनु की रक्षा के लिए, शास्त्र और वेद की रक्षा के लिए मीन का अवतार, मछली का रूप धारण किया। ये सब क्या है, भगवान कभी कच्छप बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी मछली बनते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करो, नफरत नहीं करो, क्योंकि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, किसी भी प्राणी को आप नफरत के लायक ना समझें। मछली भी बन सकता है वह हर प्राणी बन, क्योंकि हर एक तो वो तो कहते कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब तो मुझसे ही प्रकट हुए, सब मेरी संतान है,
इसलिए सभी हमारे लिए प्रिय है। ये अलग बात है कि मनुष्य अधिक पसंद है। और मैत्र जी ने कहा, हे विदुर जी क्या बताऊं, एक बात हमको समझ में आ गई कि लोग जो है दुर्भाग्यपूर्ण है लोगों का जीवन, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। हमेशा हम या तो फ्यूचर या पास्ट की बात करते हैं, कोई वर्तमान की बात नहीं करता, विश्वास नहीं करता। आज हम यदि कहें कि सामने वाला व्यक्ति भगवान है तो कोई मानता ही नहीं। मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। हमें हमारे दिमाग में क्या है कि भगवान का रूप ऐसा है। अभी थोड़ी देर के बाद वामन भगवान की झांकी का दर्शन आप करेंगे, तो ये वामन भगवान आपको पसंद आए। क्यों? क्योंकि वामन भगवान सतयुग वाले आ रहे हैं, सतयुग में तब आए थे भगवान, तब के भगवान उसी का वैसा वेशभूषा जैसा हम बताएंगे वैसा आपका है। लेकिन आज यदि भगवान कलयुग में होंगे, ऐसा तो नहीं कि भगवान नहीं है, है तो जरूर, तो कलयुग में भगवान यदि होंगे तो किसके ऐसा होंगे? कोई कलयुगी मानव ही तो होंगे ना। वेशभूषा जो है परिवेश के अनुसार होती है, वर्तमान परिवेश के अनुसार जो पहनावा होता है भगवान वही पहनते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में नहीं, सतयुग वाला भगवान चाहिए, इसीलिए समस्या यहां आती है। और यही हुआ जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में थे तो उनके परिवार वाले ही उनको नहीं पहचान पाए। उनको लगता था जैसे हम हैं वैसे श्री कृष्ण है, ये हमारे चाचा लगते, कोई कहे हमारे ताऊ लगते, कोई कहते हमारे फूफा लगते, लो कोई कहते हमारे दादा लगते। हमें तो समस्या तब आती है जब कोई संत के पास जाए, गुरुजी के पास जाए, वहां भी वो कहे कि ये हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं। हमें तब अलग सा लगता है कि देखो यहां भी ये जगह नहीं, ये भी संसारी का ही नाता लगा, कैसे ज्ञान होगा। गुरु के पास जाकर के तुम उनको संसार का नाते में बांधना चाहते हो, संसारिक रिश्ते में नहीं बांधना, कभी आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। याद करने के लिए तो संबल है, अच्छी बात है, इसी बहाने याद आवे ना, वो अलग बात। लेकिन भक्ति बनी रहे, जो गोपियों की श्रद्धा थी, विस्मृति नहीं होनी चाहिए। गोपियां भगवान के साथ खेलती थी, खाती थी, लेकिन भगवान को भगवान मानती थी, ये बात हमें याद रखनी। लेकिन यदुवंशियों में कहा कि दुर्भगो बत लोकोयम यदवो निरताम अपि सम बसंतो न विदुः हरिम मीना इडोपमम। जैसे मछली है ना, मछली चंद्रमा जब समुद्र में था तो वहां की मछलियां सोचती थी, अरे जैसे हम एक जलचर हैं, यह भी एक जलचर होगा, जल में रहने वाला प्राणी होगा। मछलियां जब जल में रहती थी उनको लगता कि हम भी एक जलचर जीव हैं, ये भी एक जलीय प्राणी है, इसमें हम में क्या अंतर है। लेकिन जब चंद्रमा आकाश में चला गया और चंद्रमा से अमृत बहता है, ये मछली को पता लगा, अरे आहा हा क्या दुर्भाग्य था, एक बार हम भी चाट लेते तो हमें भी अमृत मिल जाता, हम अमर हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य, जब तक जीव भगवान के संग में रहता है तो
तो उनको लगता है कि हम भी खाते हैं ये भी खाते हैं, हम भी थकते हैं ये भी थकते हैं, हम भी सोते हैं ये भी सोते हैं, हम भी निपटते हैं तो ये भी निपटते हैं, तो हमें इनमें अंतर क्या रहा। कबीरा तेनर अंध है गुरु को कहते और, हम गुरु के विषय में भी महापुरुषों के विषय में भी यही दृष्टि यदि रखते हैं तो दुर्भाग्य है। यह सोच कर रखना चाहिए, ये तो कलेवर है लेकिन तत्व अलग है। अब देखिए सम्राट मनु ब्रह्मा जी के, मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए और मनु के दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई, प्रेवरत उत्तानपाद और तीन पुत्री आकुति प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ कर दिया। कर्दम के यहाँ देवहूति बहुत प्रसन्न रहती है और माँ ने शिक्षा दिया शत्रुपा ने कि बेटी तुम तो सम्राट की पुत्री हो, राजकुमारी रही हो, लेकिन यहाँ एक ऋषि के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, याद रखना, कभी ऐसी डिमांड मत करना जो बेचारे को दुख का दिन देखना पड़े, उनको परेशान नहीं करना। माँ ने बड़ा सुंदर उपदेश दिए, अब तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारा जीवन यहाँ से है, तुम्हारा उत्थान भी यहाँ से है और तुम्हारा पतन भी यहीं से होना है, चाहो तो उत्थान और अभ्युत्थान भी कर सकती हो बेटी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तो दोनों कुलों को तार देती है, दोनों कुल को पवित्र करती है। आज हमारी कैलाश बेनिया बैठी है, देखो दोनों पक्ष को लेकर यहां आई, ससुराल के पक्ष वालों को भी समेट कर लाया है, मायके के पक्ष वालों को भी समेट कर लाया है। चलो सब हरिद्वार, भगवान की भक्ति करनी है, कथा समझनी है। धन्य है, इसको कहते पुत्री कैसे पवित्र करती है दोनों कुलों को। देखो बता रही थी कि बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कैसे लाऊं कैसे लाऊं, लेकिन देखो सब आए हैं।